हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक HP का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है HP 15R। मॉडल हम कहाँ से देखते हैं, मोस्टली हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। इन मॉडल में आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं उनके मॉडल पीछे लिखे रहते हैं, यहाँ पे बैक साइड में आपको कहीं भी 15R दिख जाएगा, HP 15R। तो हम इसकी बात करते हैं प्रॉब्लम की प्रॉब्लम क्या आ रही है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। तो अब हम आपको इसकी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और इस लैपटॉप के बारे में बताते हैं कि ये लैपटॉप होता कैसा है, इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन आती है और इसका यूज क्या होता है, इसका परफॉर्मेंस वाइज ये कैसा लैपटॉप होता है। तो अब हम बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में प्रॉब्लम की। सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम यदि हम आपको दिखाएं तो इसकी ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका ये टूटा हुआ है बॉडी और हिंच इसका टूटा हुआ है। यदि हम खोल के आपको दिखाएं तो इसका आपको दिख जाएगा। आप ऐसे मत खोलना, यदि आप बिगनर हो तो आप लैपटॉप चलते हुए मत खोलना, लैपटॉप को बंद करके तब खोलना चाहिए। ये मैं आपको प्रॉब्लम लाइव दिखाने के लिए इसको खोल रहा हूं। तो ये आप देखोगे हमारा हिंच तो बच गया है, इसका नहीं टूटा है, बस टूटने वाला है। ये बॉडी टूट गई है, ये लैपटॉप बाहर निकल गया है। और ये प्रॉब्लम आपको सबसे जो मेन है, यदि ये प्रॉब्लम आपके लैपटॉप में आ रही है तो आपके स्क्रीन पे डिफेक्ट होने का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी स्क्रीन भी डिफेक्टिव हो सकती है। यदि हम ये काम ना कराएं, इसको ऐसी इसी कंडीशन में यूज करते रहें तो हमारे मदरबोर्ड हमारी स्क्रीन में प्रॉब्लम आने की चांस रहते हैं। तो ये हमने आप प्रॉब्लम की बात करी इसकी, अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस वाइज ये मशीन कैसी होती है। परफॉर्मेंस वाइज में यदि हम 15R की मशीन की बात करें, HP 15R की, तो ये i3 Pentium से लेके i3 i5 i5 तक ये मशीन आई है। अभी जो हमारे पास मशीन है ये Pentium CPU में लगा हुआ है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है। हमने एक्सपीरियंस किया है अपने 10 साल के करियर में कि ये मशीन जो है इसका मदरबोर्ड बहुत ही कम खराब होता है, इसके मदरबोर्ड का हार्डवेयर बहुत ही अच्छा होता है और परफॉर्मेंस वाइज भी ये अच्छी ही यूज होती है। स्पीड की भी इसकी अच्छी होती है क्योंकि इसमें 7200 RPM की हार्ड डिस्क लगती है। तो विंडो 7 पे भी ये चलती है, विंडो 8 पे भी चलती है और विंडो 10 पे। अब ये विंडो 10 जब से आया तो थोड़ा स्पीड में फर्क पड़ा है, उसके लिए हमें इसमें SSD लगानी पड़ेगी। 10 साल पुरानी ये 8 से 10 साल पुरानी मशीन होती है, पर परफॉर्मेंस वाइज भी आज भी ये आजकल की मशीनों को टक्कर देती है। यदि जिसके पास ये ग्राफिक कार्ड में भी आती है और आप इसमें नॉर्मल काम ग्राफिक का ऑटो कैड वगैरह भी चला सकते हैं जो ग्राफिक के साथ मशीन होती है, अदरवाइज नोटबुक में जैसे घर के लिए यूज करते हैं तो ये मशीन बहुत अच्छी होती है घर के यूज करने के लिए। और इसको ओवरऑल हम इसकी बात करें तो ये 8GB रैम 4GB में ये जो आई है, बेस जो इसका है वो 4GB में अपग्रेडेबल होता है, 2 इसमें स्लॉट होते हैं, SSD का इसमें स्लॉट नहीं होता है, M.2 का, हमें SATA की जगह SATA ही लगानी पड़ेगी। और 15.6 की स्क्रीन होती है, 15.6 इंच की, और इसका फुल HD भी स्क्रीन में कुछ मॉडल आते हैं और ग्राफिक के साथ भी ये मशीन आती है, विदाउट ग्राफिक भी आती है। तो ओवरऑल यदि हम इसकी बात करें तो ये मशीन बहुत ही अच्छी होती है परफॉर्मेंस वाइज के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी और आपके कोई ग्राफिक वगैरह काम करने के लिए भी ये मशीन अच्छी होती है। तो हमने अब इसकी बात की है तो अब हम आते हैं इसकी प्रॉब्लम पे। इसमें जो ये प्रॉब्लम आ रही है मैंने आपको बताया था, तो अब हम इसको रिपेयर करते हैं। इसमें क्या होगा, ये बॉडी इसकी रिपेयर हो जाएगी, हिंच भी इसके ये खराब हो रखा है तो इसका हिंच भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो एक दो बारी में ये टूट ही जाएगा क्योंकि ये फिजिकल डैमेज हो रखा है इसका हिंच। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा खराब कर सकते हैं।
हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं।